हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, रेलवे के तरफ से जो आरपीएफ का वैकेंसी आया था गाइज, आरपीएफ का जो वैकेंसी था उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बहुत ही जानकारी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको इतना रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2018 में होने वाला है उसका कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेलवे का रिगार्डिंग पल पल का अपडेट आपके पास पहुँचा देता हूँ। कैसे एक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा उसके पूरा तैयारी प्रोसेस बताता रहता हूँ। दोस्तों, उसके साथ आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, उधर मेरे को फॉलो करके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करके रखा हूँ। दोस्तों, आपकी जनरल साइंस के रिगार्डिंग बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखा हूँ, जो आपकी एग्जाम में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ये इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अनअकैडमी। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को जो दिखाने वाला हूँ आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस बार जो 2018 का एग्ज़ाम होने वाला है वो कितना कट ऑफ जा सकता है, आपकी पूरा ग्रुप वाइज बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। दोस्तों, ये इससे पहले 2015 का भी 2015 का भी एग्ज़ाम हुआ था गाइज, आप उसी को आप लोग को दिखा रहा हूँ। 2015 में 120 क्वेश्चन था, पहले से भी 120 क्वेश्चन था, अभी भी 120 क्वेश्चन है। दोस्तों, जोनल रेलवे यहाँ पे जोन वाइज ग्रुप जो इस बार ग्रुप वाइज दिया गया है, तीन चार जोन को मिला के एक ग्रुप किया है, इससे पहले भी ऐसा ही था। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो जोनल रेलवे में एसआर मतलब साउदर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ये सारे है। मेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है। ये जो बता रहा हूँ ये 2015 का बता रहा हूँ दोस्तों, 15 का याद रखिए। तो अनरिजर्व के लिए अलग रखा गया, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग रखा गया, ये है मेल कैंडिडेट और ये है फीमेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए अनरिजर्व, एससी एसटी और ओबीसी अलग कट ऑफ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्वेश्चन 120 सब में रहता है और यहाँ पे जोन वाइज दिया गया है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और आरपीएसएफ, ये सारे आरपीएफ है, ये आरपीएसएफ का अलग कटअप दिया गया है। तो दोस्तों, पहले आपकी अनरिजर्व में बता देता हूँ, ओबीसी एससी एसटी आप थोड़ा काउंट कर लीजिए, थोड़ा ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो साउथ वेस्टर्न रेलवे साउथ एंड जोन को ये 85 गया था दोस्तों, लास्ट प्रीवियस ईयर में 85 गया था। तो इस बार आपको मैं अगले इमेज दिखाऊंगा जो इस बार का कटअप कितना जा सकता है। तो दोस्तों, 85 गया था। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये सारे जोनल जो है 94 गया था, मतलब 120 से आपको 94 कट ऑफ जा रहा है गाइज। इस बार कितना जाएगा वो भी दिखाने वाला हूँ, इससे पहले जो गया था 94। तो दोस्तों, देख सकते हो आपकी कितना तैयारी करना पड़ेगा, और इसी हिसाब में अगर तैयारी है तो आप अच्छा से एग्जाम दीजिए और थोड़ा अच्छा कट ऑफ रखने के लिए ट्राई कीजिए। तो ईस्टर्न जोन में जितना भी है दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर का वो बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें 96 कट ऑफ गया था दोस्तों, अनरिजर्व 96 कट ऑफ गया था। और जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 86 है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 78, एससी है, एसटी 74 है। उसके बाद दोस्तों, नॉर्दर्न जोन, सारे नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसमें दोस्तों 94 कट ऑफ गया है, 94, ये बहुत कम नहीं है। इसको स्कोर आपको 120 से 94 करीब आपको 85% जैसा रखना पड़ेगा, 85% आपको जैसे कि रखना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके साथ ओबीसी का भी देख लीजिए, 85 कट ऑफ गया है और एससी एसटी जो है 77, एससी है, एसटी 72 गया है। उसके साथ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 94 कट ऑफ गया है, 94।
और ओबीसी के बात करते हैं तो 85 का गया है, एससी में 77 और एसटी में 72। आरपीएसएफ का बात करते हैं दोस्तों, आरपीएसएफ का कम कट ऑफ गया है, 85 कट ऑफ गया है दोस्तों, 85 टोटल कट ऑफ गया है, और जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 77 है, एससी 69, एसटी 66। ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर कांस्टेबल का कट ऑफ है। आप चाहो तो मैं एसआई का कट ऑफ भी एक एसआई का अलग वीडियो बता दूंगा, ये कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर है, और इस बार इस साल कितना जा सकता है इस बार भी और एक इमेज दिखा रहा हूँ जो आप लोग को। और दोस्तों ये जो मैंने बताया ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख सकते हो, मेल और फीमेल में थोड़ा ही फर्क आ रहा है, फीमेल में हाई कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि फीमेल यहाँ पे दोस्तों उनका पोस्ट कम है, पोस्ट कम रहता है, तो इसीलिए इससे पहले जो है पोस्ट कम था तो इसीलिए हाई कट ऑफ गया था। दोस्तों देख सकते हो ये 85 गया है, इसमें 89, ये 94, ये 99, ये 96, ये 101, और ये 94 है, ये 99, ये 94 है, ये 99, ये 85 है, ये 90 है, फीमेल का हाई कट ऑफ गया था क्योंकि पोस्ट कम था दोस्तों, पोस्ट बहुत कम था। इस बार तो 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। दोस्तों अभी आते हैं हम इस साल 2018 में कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ मार्क 2018। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड, ये फाइनल नहीं है, हम आशा करते हैं ऐसा हो सकता है। तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जोन वाइज दिया गया है, इसमें भी 120 मार्क रखा गया है, सभी में 120 मार्क रखा गया है, साउदर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे अनरिजर्व का कट ऑफ जा सकता है दोस्तों 94 रखा गया, इसमें प्लस और माइनस आपको 5 मार्क जोड़ सकते हो, 2 से 5 मार्क जोड़ सकते हो दोस्तों, मतलब आपको 94 के जगह 95 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, और 90 भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आपकी मतलब टॉलरेंस रखिए, 4-5 मार्क आपके हाथ में रखिए, एक्सपेक्टेड है ये, फाइनल नहीं है। तो 94 तो अनरिजर्व गया जा रहा है दोस्तों। ओबीसी देख सकते हो 89 जा रहा है, और एससी 74, एसटी 74। तो दोस्तों यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों देख सकते हो 98 यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के रखा गया है, इसमें भी प्लस माइनस आपकी 3 से 5 मार्क आप रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे छोटा भी कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का 104 रखा गया है, 104 से भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, 2-4 मार्क जा सकता है, मैंने जो बता रहा हूँ 2-4 मार्क ज़्यादा जा सकता है, 2-4 मार्क कम भी आ सकता है। और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए 109 रखा गया है, और ईस्टर्न जोन जो है, ईस्टर्न जोन मतलब ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये 107 जा सकता है, अनरिजर्व का 107, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए दोस्तों देख सकते हो 101, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 111 रखा गया है, 111 रखा गया है आपकी फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ ये है, ये ना कि आपकी रिटर्न कट ऑफ का है। और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का ओबीसी भी देख सकते हो 95 ओबीसी में जा रहा है, इसी तरीके में नॉर्दर्न जोन में है, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, 105 जा सकता है अनरिजर्व दोस्तों, 105 जा सकता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 109 रखा गया है। और दोस्तों उसके साथ NFR नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे 104 रखा गया है, 104 कट ऑफ जा सकता है, उसमें 2-3 मार्क फर्क भी आ सकता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 109 रखा गया है। तो दोस्तों RPSF का भी देख सकते हो, RPSF का 95 रखा गया है आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 99। तो इतना अगर स्कोर कर रहे हो तो आप जा सकता है दोस्तों, आगे जाके PET के लिए जा सकते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताया मैंने। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मैं रेलवे का रिगार्डिंग पल पल का अपडेट देता रहता हूँ, आपको कैसे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।